हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आप सभी की एक न्यू रीडिंग लेकर के आए हैं कि आपको इस लाइफ टाइम में क्या लेसन सीखने हैं। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि हमें इस जीवन में क्या लेसन सीखने हैं, क्या सबक सीखने के लिए हम आए हैं, क्या लेसन सीखने के लिए आए हैं। जो भी सिचुएशन हमारी चल रही है, हमें क्या सीखना है, तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। गाइस, कॉल मत कीजिएगा, ओनली मैसेज कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए लिब्रा, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। लिब्रा तुला राशि, वाओ, हाई रूपेंट, ब्यूटिफुल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लिब्रा तुला राशि, जस्टिस, फूल, योर फर्स्ट लेसन, लिब्रा'स फर्स्ट लेसन। स्टार, क्या बात है, ग्रेट। सेकेंड लेसन, हैंगमैन, ब्यूटीफुल। लिब्रास, आपके रीडिंग में सभी कार्ड्स मेजर अरकानस आए हैं। इट मींस आप लोग इस समय बहुत ही मेजर लेवल के शिफ्ट से गुजर रहे हो सकते हैं, ठीक है? बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा किसी सिचुएशन में स्टक भी फील करें। ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप लोग इस वक्त बहुत ही एक पावरफुल सिचुएशन में है माय डियर। ब्यूटीफुल, वाओ, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, तो एम्प्रेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ब्यूटीफुल। ये भी मेजर अरकाना ही है। ओके माय डियर लिब्रास, इस समय आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपको एक डिसीज़न लेने की बहुत ज़रूरत है, या ये वक्त है वो डिसीज़न लेने का। आप बहुत बैलेंस्ड अपनी लाइफ को लेकर के चल रहे हैं, या बैलेंस बनाने की सिचुएशन में बहुत कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हद तक उस बैलेंस को क्रिएट करने में आप सफल भी हो रहे हैं। और मैं आपको बहुत ही क्लियर माइंड यहाँ पे देख रही हूँ विद जस्टिस कार्ड, लेकिन यहाँ पे एक जो सिचुएशन है कि मे बी आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, और आपको अब बोला जा रहा है कि ये वक्त है कि वो डिसीज़न लेने का, आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हैं आप, कुछ ना कुछ एक डिसीज़न आपको लेने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ताकि आपकी माइंड में वो क्लैरिटी आ पाए और आप उस ओर आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि हम कभी भी दो नाव में पैर रख के सफ़र नहीं कर सकते हैं लिब्रास, हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक गोल बनाना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के चलते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त है वो डिसीज़न लेने का, और अब आपको वो डिसीज़न लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फूल का कार्ड है और वो ऑब्स्टेकल्स में आया है, तो यहाँ पे थोड़ा विश्वास की कमी आ रही है, थोड़ा आगे बढ़ने को लेकर के डर की कमी आ रही है, थोड़ा आप सेफ होकर के चलना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये सिचुएशन इस चीज़ को सेलेक्ट करा
या इस तरीके से मैं आगे बढ़ा या इस चीज़ को लेकर के मैं आगे बढ़ा तो मे बी ये रिस्की हो सकता है, तो आप इस समय रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं या वो चांस नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है माय डियर लिब्रास, तो ये वक्त है डिसीज़न लेने का, क्योंकि आपको एक ना एक गोल बनाना पड़ेगा और आगे उस पर बढ़ना पड़ेगा। आप हर एक एक करके चीज़ों को कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नहीं चल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें लेकर के चल रहे हों। मे बी इस समय जो चूज़ करने की मैं बात कह रही हूँ, कुछ लिब्रास की सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आपको ये बोला हो कि पहले एक एक करके चीज़ों को आगे पकड़िए और आगे चलिए, ठीक है। मे बी आप कुछ न्यू लर्निंग सीख रहे हैं या कुछ नया करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब हमने शफलिंग स्टार्ट करी थी तो हायरोफेंट की भी ऊर्जा थी, तो मे बी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं या आपका माइंड बहुत कन्फ्लिक्टेड है कि क्या किया जाए, इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए या इसके साथ आगे बढ़ा जाए या सभी के साथ आगे बढ़ जाए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा द्वंद मुझे नज़र आ रहा है कि आप कन्फ्यूज हो रहे हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ों में हाथ आजमाना चाहते हो या हाथ आपके आए हुए हैं और आप अब कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि किसके किसको 100% दें या किसके साथ आगे बढ़े किसके साथ आगे नहीं बढ़े। लेकिन किसी एक चीज़ को लेकर के आगे बढ़ने को लेकर के आपको थोड़ा डर थोड़ा रिस्क लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी सब ऑप्शंस मेरे ख़त्म ना हो जाएं, या फिर एक ना एक इनसिक्योरिटी में देखती हुई नज़र आ रही है, एक इनसिक्योरिटी मुझे फील हो रही है कि आप अदर ऑप्शंस को लेकर के भी अनसिक्योर फील हो रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऑप्शंस मेरे ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे माय डियर लिब्रास, पहला मैसेज तो आपके लिए ये है विद द बॉटम ऑफ द डेक, वाओ ब्यूटीफुल, सी यहाँ पे ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, हालांकि मैं यहाँ पे लेसन्स की बात कर रही हूँ माय डियर, लेकिन यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस है और बीच में टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप लोग मैरिड हैं माय डियर, तो अपनी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट कीजिए, अपनी लाइफ में अपनी रिलेशनशिप में वो बैलेंस क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है। और ख़ास करके रिलेशनशिप में तो बैलेंस करना ही है आपको, इसके साथ ही साथ आपकी जो मैस्कुलिन साइड है और फेमिनिन साइड है उसे बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे बैलेंस का। और मे बी कुछ लोग यहाँ पे अपनी मैस्कुलिन साइड को और फेमिनिन साइड को बहुत बैलेंस कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपकी ग्रोथ देख रही हूँ, आप आगे बढ़ रहे हो। मैं पहले भी यही बात बोल रही थी लिब्रास, पहले की रीडिंग्स में भी आपके यही आया है कि आपकी ग्रोथ ही हो रही है, आप रुके नहीं हुए हो, और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रोथ होते हुए देख रही है। और मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग ना बैलेंस कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, अब पहले से बहुत हद तक आपका मन यहाँ पे शांत भी है और आप सेटल भी हो रहे हो, बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो फर्स्ट लेसन की मैं आपकी बात करूंगी यहाँ पर पे जस्टिस मैंने बोला है द स्टार का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा आपको अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है, पेशेंस लाने की ज़रूरत है और होप रखने की ज़रूरत है यहाँ पर माय डियर। जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही, देखिए ये क्या है, स्टार का कार्ड है, स्टार आपकी किस्मत, आपके जो हम जिनकी बात करते हैं चमकते सितारे आपके, वो सब अलाइनमेंट में आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा विश्वास रखना है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं या आगे नहीं बढ़ रही है, आप ग्रो कर रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी को जीने जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हीलिंग आपकी होनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे खुद की हीलिंग भी करनी है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है लिब्रास आपके लिए, कि यहाँ पे ना ये एक्वेरियस साइन है, ठीक है। एक्वेरियस क्या है लोगों, एक्वेरियस जो होता है वो ह्यूमैनिटी वर्क में बहुत आगे होते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वक्त है अब लिब्रास आपका दूसरों की मदद करने का, दूसरों को कुछ देने का, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये अलाइनमेंट में आना, स्टार्स आपके अलाइनमेंट में आ रहे हैं और आप आगे ग्रो कर रहे हो, तो जितनी नॉलेज आपने गेन कर ली है, जितना आप गेन कर चुके हो, अब ये वक्त है कि लोगों को देने का, कुछ आगे करने का, ठीक है। तो उठो, अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है, किसी चीज़ से डरो मत, यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को अप करो और आगे बढ़ो,
ठीक है। और यस डेफिनेटली आप जितना जिसके लिए कर रहे हैं वहाँ पे भी बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार कार्ड को भी अगर देखें तो यहाँ पे भी ये जो लेडी है इक्वली इस पॉन्ड में भी पानी डाल रही है और यहाँ पे ग्रास पे भी पानी डाल रही है। तो जो भी करना है आपको बिना किसी कहते हैं ना कि छल कपट के या ऊंच नीच बिना किए आपको एक इक्वल वे में आपको वो चीज़ें करनी है, जिसके लिए भी करनी है, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ये कार्ड लेसन्स में क्या कह रहा है कि चैरिटी करना, चैरिटी करना इन द सेंस कि आप पैसों से मदद कर रहे हैं, ये चैरिटी नहीं होगी, ये इवन आपकी आप किसी के लिए मदद कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, वो किसी भी वे में हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। आप चाहे किसी को इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, किसी को एक सराहना दे रहे हो, या किसी की पीठ थपथपा रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ा आपका आपकी तरफ से एक होता है ना मदद होती है कि किसी को एक बुझे हुए समय में उसको सपोर्ट करना, उसकी मदद करना, उसको खड़ा करना, ये बहुत बड़ी मदद होती है। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, कोई हार रहा है, नीचे जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है या वो निराशा से भर गया है और आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो, तो ये भी एक चैरिटी या फिर मैं कहूँ अच्छे काम के बीच में आता है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए आप जिस तरह से जिसकी मदद करना चाहते हैं तो आपको उस तरह से लोगों की मदद करनी है, जितना हो सके लोगों के इमोशंस को हील करने में मदद कीजिए। अगर कोई इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए, उस ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। बेसिकली आपको यहाँ पर उनकी फीलिंग्स को फील करने के लिए बोला जा रहा है, उनकी इमोशंस को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिब्राज मुझे यहाँ पे एम्पाथ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये स्टार की वाइब्स है, ये जो पर्सन है ना दूसरों की फीलिंग्स को इमोशंस को फील करता है, तो आपको भी इसी ऊर्जा में आने को बोला जा रहा है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऊर्जा है, सेंसिटिव ऊर्जा, आप दूसरे को फील कर रहे हो, दूसरा क्या फील कर रहा है, आप उस एनर्जी को फील कर रहे हो, और जब तक आप उस एनर्जी को फील नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको करेक्ट सपोर्ट नहीं दे सकते हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी में आपको टैप इन करने के लिए, ठीक है। दूसरे यहाँ पे आपके लिए है हैंग्ड मैन की ऊर्जा, हैंग्ड मैन की ऊर्जा यही बताती है, देखिए लाइफ में हर वक्त वैसी चीज़ें नहीं चलती हैं जैसी हम चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं और गलत चीज़ों की डिमांड्स रख लेते हैं या हमारी विशेष ही रोंग हो जाती हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हो सकता है कुछ चीज़ें आपके तरीके से नहीं चलें, और ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो मांग है, आपके जो डिज़ायर्स हैं वो रॉन्ग ही हो, वो राइट भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके मिलने का जो तरीका है या आपको जो देने का डिवाइन का तरीका है वो थोड़ा डिफर हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको, और जो भी सिचुएशंस हो रही हैं आपको बोला जा रहा है बस आपको वहाँ पे थम जाना है, रुक जाना है, एक ब्रेक ले लेना है, एक पोज ले लेना है, और जो सिचुएशंस है ना उसमें आपको जूझना नहीं है, उन्हें होने देना है, ठीक है। ये लेसन्स, ये पेशेंस आपको लर्न करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता ही चुकी हूँ कि वो पेशेंस और वो ठहराव आपके अंदर आने की जरूरत है, वो एक अंदर से यहाँ पे ये जो हैंग्ड मैन है ये मैसेज भी दे रहा है। अगर आप देखेंगे इस पर्सन का जो ऑरा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टार और सन दोनों ही हैं, देख रहे हैं आप, स्टार भी हैं और सन भी है, तो माय डियर किस्मत आपकी बहुत चमकने वाली है, और मैं कहूँगी लिब्राज आपकी किस्मत आपके साथ है। और जो लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो वैसा होता क्यों नहीं है, तो माय डियर सबसे पहले इसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा आपको। अगर आप पॉजिटिव नहीं होते हो अपनी लाइफ में तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, मैं तो यही बोलूँगी। आपको ये बातें कड़वी ज़रूर लगेंगी लेकिन आपको समझाने के लिए बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी जिस भी वाइब्रेशंस पे वर्क करते हैं उन्हीं चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, स्टार्स आपके अलाइनमेंट में आ रहे हैं, बस आपको मतलब जूझना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें होने दीजिए, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हो लिब्रास, आपका पाथ रोंग नहीं है। लेकिन जहाँ डिसीज़न लेना है, जहाँ आपको एक्शन लेना है, जहाँ आपको आगे बढ़ना है वहाँ बढ़िए, लेकिन सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ आप अपने आप में चेंजेस ला सकते हो लेकिन लोगों को चेंज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे अपने देखने का नज़रिया आपको यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, अपनी विजडम को ओपन करने की ज़रूरत है, आपके अंदर की जो विजडम है वो ओपन होना चाहती है, और ये वक्त आ गया है आपका कि उसे ओपन करने की ज़रूरत है।
ज़रूरत है, समझ रहे हो, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अंदर की, आपके अंदर की जो लाइट है उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बस अपने मन को शांत करो, जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो सकते हो, क्योंकि मन में जब शोर रहेगा तो आप उस एनर्जी से कनेक्ट कैसे होगे, समझ रहे हो मेरी बात। और ये पर्सन ने, अगर आप देखें, ये उल्टा लटका हुआ, इट मीन्स उसने इस सिचुएशन में हाथ खड़े कर दिए हैं कि ठीक है डिवाइन, मैं बीच में नहीं आने वाला हूँ, आप जो करेंगे वो सही करेंगे। बस इसने अपने अंदर की जो जोत है उससे कनेक्शन बना लिया है और वो अलाइनमेंट में आगे बढ़ रहा है, अलाइनमेंट में आ गया है। और ये कहीं ना कहीं कार्ड अलाइनमेंट को भी दिखाता है, अगर आप देखें तो अलाइनमेंट में आना, बिल्कुल वो अलाइनमेंट में आ रहा है, तभी उसका जो क्राउन चक्रा है वो ओपन भी हो रहा है। तो ये वक्त है आपका अलाइनमेंट में आने का, और आपको यही बोला जा रहा है, इस चीज़ पर आपको विश्वास रखना है। और लिब्रास, आपके लिए एक और मैसेज है, ये आपके लेसन से रिलेटेड नहीं है लेकिन ये थोड़ा डिफर है, कि पानी अपनी, अगर आपकी आदत है ऐसी कुछ लिब्रास की कि आप पानी कम पीते हो माय डियर, तो पानी ज़्यादा पिए, और जितना हो सके ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप बिल्कुल सही सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हो ना माय डियर, तो अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए। आपको अपनी ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लिब्रास, एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर, यहाँ जितना आप आगे बढ़ते रहते हो ना, यहाँ पे बहुत से लिब्रास ऐसे हैं जिनकी मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ। विद द स्टार कार्ड और हैंग्ड मैन, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। आप डिस्टाइंड हो, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे ह्यूमन काइंड के लिए करने के लिए यहाँ पे आए हो, ह्यूमैनिटेरियन कोई वर्क करने के लिए आप यहाँ पे आए हो, कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो आपको लोगों को देना है, उनकी मदद करनी है, उनको आगे लेकर जाना है, तभी आप इतनी चीज़ें जो हैं आप खुद सीख रहे हो, उन चीज़ों से आप निकल रहे हो बाहर, वो लेसन्स आप सीख रहे हो। तो आप यहाँ पे अपने आप को जितना ग्राउंडिंग रखेंगे उतना बेहतर है। जितनी धरती माँ से आप कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतनी अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये बता दूँ, आपके लिए ये भी मैसेज है, हालांकि यहाँ पे ऐसा कार्ड नहीं है लेकिन मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कि आपको ना यहाँ पर मैं की भावना को नहीं लेकर आना है, कि मैं, ठीक है, ना ही अपने से छोटा किसी को समझना है, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज को लेकर के, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप बहुत आगे जा रहे हैं, तो ये नहीं कहना है कि बाकी सब तो बेकार बातें कर रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इस तरह का एक ईगो नहीं लेकर के आना है, ठीक है। यहाँ मुझे स्पिरिचुअल ईगो यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि आपको आने से रोकनी है। इसके लिए यहाँ पे ग्राउंडिंग, एक होता है ना कि हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, या फिर हम टॉप पर भी पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ से जुड़े हुए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, हमें पता है कि वो लेवल भी हमने जिया है, तो हम उसे नहीं भूले हैं, इसलिए हम और लोगों की भी मदद करते हैं। तो यही एक जो आपके अंदर का ज्ञान है ना, वो आपको और आगे लेकर जाएगा। जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे उतना आप आगे बहुत जाने वाले हो, ठीक है। यस, और देखते हैं आपके लिए चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड से क्या आपके लिए शिव बाबा गुरु जी क्या मैसेज देते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी लिब्रास के लिए। और क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं जो उनको उनके लेसन्स को सीखने में मदद करे, प्लीज़ बताएँ। और क्या सीखने की उनको ज़रूरत है, और क्या बनने की ज़रूरत है लिब्रास। विजडम, सी मैंने आपको बोला यहाँ पे आपकी विजडम, मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुकी हूँ माय डियर लिब्रास। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सी ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, इम्पेशेंस, सी मेरी का बातें ही रिपीट हो रही है। अब आप लोग पता है क्या कहेंगे कि आप एक ही बात को बार बार दोहराते हो, लेकिन माय डियर मेरे कार्ड्स वही आते हैं जो मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ, वही कार्ड आ रहे हैं। इट मीन्स इनसिक्योरिटी, देखिए मैंने यही तीनों चीज़ें आपको बताई हैं, ग्रैटिट्यूड बॉटम ऑफ द डेक, मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए मैंने आपको सेम यही तीनों चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटी, कि आपको कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है, और हीलिंग की भी बात बताई थी ना मैंने आपको यहाँ पे, कि आपको कुछ लोगों को यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ताकि आप आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए ओपन रहें। और ये जो आपकी ग्रोथ है ना, ये जो अभी तक आपका कोई है कुछ लोगों का यहाँ पे इमोशन
इमोशनल हीलिंग बहुत होनी ज़रूरी है। इमोशनल हीलिंग उनके हार्ट चक्र की हीलिंग, कोई ट्रॉमा आपके हार्ट में स्टक है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है माय डियर, उसको लेकर के उसको ओपन करने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ ये ग्राउंडिंग को भी दिखाता है। ये रेड कलर का कार्ड है जो कि आपके बेस चक्र का कार्ड है। ये देखिए, ये रेड कलर का कार्ड है, बेस चक्र का कार्ड है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे हार्ट भी बना हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो आपको अपने बेस चक्र को और हार्ट चक्र को हील करना है। ये जो फियर्स है ना आपको आगे बढ़ने को लेकर के या इनसिक्योरिटी को लेकर के कि हाँ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे जो बाकी के ऑप्शंस हैं, या किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी जो है वो कहीं हाथ से, किसी भी तरह की कोई चीज़ है वो हाथ से ना निकल जाए, या मैं उन्हें खो ना दूँ, या मैं अपने जो भी अचीवमेंट्स है मैं उनको ना खो दूँ, या जितना मैंने अभी आगे ग्रो करा है मैं कहीं उसे ना खो दूँ। तो बेसिकली कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है, आपको बोला जा रहा है इस सिचुएशन को हील करने के लिए। तो माय डियर, आपको अपना बेस चक्र जिसे हम रूट चक्र बोलते हैं उसको हील करने की ज़रूरत है, और अपने हार्ट चक्र को हील करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। और यहाँ मैंने बात करी थी आपकी इम्पेशेंस की, ठीक है, थोड़े से कार्ड एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो यस, तो यहाँ पे हमने बात करी थी इम्पेशेंस की, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा अपने अंदर पेशेंस बनाए रखना है। आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ोगे, एक साथ ऊपर नहीं बढ़ोगे। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो माय डियर और आपको ऐसा लग रहा है कि ओहो ये तो मेरा समय वेस्ट हो गया, या फिर ये मैंने किया मुझे जितनी उम्मीद थी उतना मुझे एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या मैं कहीं नीचे तो नहीं जा रहा हूँ, आपको बोला जा रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब्र की, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, और आगे भी जो आप करोगे उसके लिए भी पहले ही आपके लिए मैसेज है लिब्रास, पेशेंस में रहना है आपको। आगे आउटकम क्या होगा इस चीज़ की तरफ मत जाइए, ठीक है। आपको यही लेसन लर्न करना है यहाँ पर कि पेशेंस को बनाए रखना है, क्योंकि आप इम्पेशेंट बहुत जल्दी हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर के। तो आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है माय डियर, तो पेशेंस यहाँ पे सीखने की आपको ज़रूरत है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे लिए विजडम, और देखिए कितना बढ़िया कनेक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ। मैंने आपको ग्राउंडिंग के लिए बताया, मदर अर्थ गाया से कनेक्शन के लिए बताया, और यहाँ आप क्लोजर देखिए विजडम कार्ड में, ये मदर अर्थ गाया है, ये मदर अर्थ है, देख रहे हैं आप। तो उनके साथ आपको कनेक्शन अपना बनाना है, जितना विनम्र होकर के आप आगे बढ़ोगे आपके लिए उतना अच्छा है, आप उतनी ऊंचाइयों को छुओगे, ठीक है, उतना ही ज्ञान को आप प्राप्त करोगे। यहाँ पे आपको अपने अंदर की जो विजडम है ना उसे ओपन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब ये वक्त आ गया है अपना कनेक्शन बनाने का। यहाँ पे कुछ लोग अर्थ एंजल्स हो सकते हैं, आप लोग लिब्रास, आप में से बहुत लोग यहाँ पे अर्थ एंजल्स हो, तो यहाँ पर कनेक्ट होइए अपनी अंदर की लाइट से। अगर आप ये मदर अर्थ के हैंड में देखेंगे यहाँ पर, तो ये स्टार की ही ऊर्जा है, देख रहे हैं आप। तो अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट होइए माय डियर लिब्रास, आप लोग डिस्टाइंड हो इस चीज़ के लिए, ये चीज़ होनी ही है, लेकिन ये लेसन्स भी आपको सीखने हैं, ये बात याद रखिएगा। और यस, यहाँ पे है ग्रैटिट्यूड। देखिए कन्फ्यूजन, मैंने आपको बोला ना, बताइए, वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आपके सामने शफल करे हैं मैंने कार्ड्स। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए माय डियर लिब्रास, जो भी आपके पास है, जो भी चीज़ें हैं। देखिए आप ना इस समय क्या कर रहे हो ना, ये जो इनसिक्योरिटी आ रही है, खोने का डर, या फिर वो इच्छा या इम्पेशेंस होना कि उतना नहीं मिल रहा है, एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर शांति में बैठिए, ठीक है, थोड़ी देर शांति में बैठिए, आइस को क्लोज कीजिए, और आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप क्या थे और अब आप कहाँ हैं, उससे अपने आप को कंपेयर कीजिए, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा माय डियर, कि आज से आप 5 साल पहले, 10 साल पहले या 4 साल पहले, 3 साल पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड में रहना, जो चीज़ें जितनी हैं, जो हैं, हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास प्रभु ने आपको दी है, आप आगे बढ़ रहे हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहो। हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड में रहने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है माय डियर। हर वक्त प्रभु का शुक्राना बोलो, उनको शुक्राना दो, थैंकफुल रहो उनके लिए, ग्रैटिट्यूड पे करो, फिर देखो अपनी लाइफ में आने वाली जो ब्लेसिंग्स होंगी ना आपकी, आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन इससे अच्छा कि जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उसमें अपने आप को ये दिखाना कि ये चीज़ें तो बढ़ नहीं रही हैं, या मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, या स्टॉप हो गया है, या जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला, ग्रैटिट्यूड, पेशेंस, ठीक है। तो देखते हैं और आपके लिए कार्ड्स, थैंक यू, ओके। Yes.
यूनिकॉर्न्स क्या कहते हैं आपको, यूनिकॉर्न्स क्या कहने चाहते हैं लिब्रास को? थैंक यू यूनिकॉर्न्स। आर्च एंजल यूरियल बिकम अ पीस मेकर, थैंक यू। Prosperity, prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. Okay, cards थोड़े adjust कर दें कि आपको दिखाई भी दे जाए, my dear. One more card, please. Okay. Mother Mary. मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू, सी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके साथ ब्लेसिंग्स है माय डियर। मदर मैरी यूनिकॉर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो दया का भाव आपके अंदर आ रहा है, तभी आपको बोला जा रहा है यहाँ पे लोगों की मदद करनी है, जिस तरीके से जैसे भी कर सकते हो माय डियर लोगों की मदद करो। अगर कहीं आप लोगों से बात करने से डरते हो, आगे बढ़ने से डरते हो, या फिर लोगों को फेस करने से भी अगर आपके अंदर डर है या किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो या कुछ इस तरह के भी इश्यूज़ हैं, तो आपको बोला जा रहा है इनसे आपको लड़ना है और ऊपर आना है, ठीक है। इन सिचुएशंस को आपको हील करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है बिकम अ पीस मेकर, और ये बिल्कुल स्टार के नीचे ही है जो आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, उन्हें लाइट दिखाने आए हैं या लाइट की तरफ ले जाने के लिए आए हैं। जो लोग होते हैं ना कि एक ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, या उन्होंने अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं, बेसिकली जो अंधेरे में जी रहे हैं, उनको वो रोशनी दिखाना, वो ऊर्जा दिखाना कि यस तुम भी आगे बढ़ सकते हो, और वो झूठ नहीं है डेफिनेटली, बस उन्हें थोड़ा सपोर्ट करने की, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं आप, ये आपकी डेस्टिनी में है मेरे प्यारे लिब्रास। तो यहाँ पे है प्रोस्पैरिटी, यस प्रोस्पैरिटी की कमी नहीं है आपके लिए, आपकी तरफ प्रोस्पैरिटी आ रही है, ढेर सारी मनी, रिस्पेक्ट आप अचीव कर रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो माय डियर लिब्रास, जो भी चाहते हो वो आप अचीव करने वाले हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है उसके लिए रिसीविंग मोड में रहना है, ओपन रहना है। और ओपन कैसे रहोगे, जब आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे और जब अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका जो बेस चक्रा है, रूट चक्रा है, क्योंकि यही तो मटेरियलिस्टिक हमारा चक्रा माने जाते हैं ना, जो नीचे के लोअर चक्रास होते हैं वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो ये आपको आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड लास्ट हम देख लेते हैं गॉडेस गाइडेंस से, सॉरी गॉडेस गाइडेंस नहीं, कीपर्स ऑफ द लाइट से। ओके थैंक यू, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लिब्रास को? नो बहुत सारे आ गए, लिब्रास को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज वन दीजिए। थैंक यू। द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल ऑक्यूर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक, प्रोटेक्शन, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। देखिए ये जो आपको डिसीजन लेना है ना माय डियर, आगे बढ़ना है, आपको बोला जा रहा है डू व्हाट यू फील राइट, अपने हार्ट को ओपन करो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने विजडम को ओपन करो, अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट हो, तो जो आप फॉलो करोगे ना बस वो आप आगे बढ़ते जाओगे। और एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग, धीरे धीरे आपको चीज़ें सामने क्लियर होती जाएंगी कि यस ये इसलिए था, ये इसलिए हुआ। समझ रहे हो आप मेरी बात, यहाँ पे आपको अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके लिए पर्पल कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एमेथिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये देख रहे हैं आप एमेथिस्ट, एमेथिस्ट स्टोन, ये भी एमेथिस्ट ही है अगर आप देखें तो, सी
ये रॉ एमेथिस्ट है, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल वियर कर सकते हो, या फिर आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, या फिर लॉकेट पहन सकते हो। जैसे अगर आप इनके लेडी पॉटिया के यहाँ पे देखें, आप लॉकेट वियर कर सकते हो, किसी भी तरीके से रिंग वियर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। देन है आपके लिए यहाँ पे हॉली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल। तो पहली बात तो लिब्रास, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको फुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस कार्ड को देख करके कि आने वाले समय में आपकी तरफ कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ग्रैब कीजिए, अपने आँखों को अपने कानों को खुला रखिए लिब्रास, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, आपको आपका देखने का नज़रिया बदलेगी, आपकी लाइफ में मिरेकल्स करने वाली है वो जो अपॉर्चुनिटी है। तो अभी वो किसी भी तरीके से आ सकती है या किसी भी तरीके से हो सकती है, ये हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरीके से अपीयर होगा। तो बस आपको डाउन टू अर्थ रहना है, लोगों की मदद करनी है, ठीक है, और ये मिरेकल्स पर विश्वास कीजिए, ठीक है। मिरेकल्स अपने आप ही होंगे जब आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये आपके लेसन्स हैं माय डियर लिब्रास। जब आप इस सिचुएशन में आएंगे, इस सिचुएशन को जिएंगे, इस एनर्जी को जिएंगे, इस एनर्जी में टैप इन करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे मिरेकल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेचुरली मिरेकल्स जो हैं आपकी लाइफ में होंगे, चीज़ें अपने आप बनती जाएंगी और आगे बढ़ती जाएंगी। तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई इंसाइट्स मिले हो, मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।